कैमूर के दुर्गावती प्रखंड प्रमुख का चुनाव अनुमंडल पदाधिकारी मोहनिया के कार्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें हसीना बीबी और श्याम गुप्ता दो प्रतिद्वंदियों ने प्रमुख के लिए अपना पर्चा दाखिल किया, जिसमें श्याम गुप्ता को 9 वोट मिले तो वहीं हसीना बीबी को 7 वोट मिले हैं। वहीं एक वोट वोकस करार दिया गया है। वहीं प्रखंड उप प्रमुख के लिए 4 लोगों ने अपना दावेदारी पेश किया था, जिसमें सावट पंचायत की बीडीसी सदस्य सविता देवी 5 मत पाकर उप प्रमुख बनी। इस प्रकार दुर्गावती प्रखंड में प्रमुख और उप प्रमुख दोनों पद सावट पंचायत के ही दोनों भाग के बीडीसी के पाले में गया। इसे लेकर पंचायत के लोगों में काफी खुशी है। प्रखंड एक आज़ाद प्रखंड है जन्मों से, और उस प्रखंड गुलामी से जकड़ा हुआ और आज़ाद हुआ है, और यहाँ पैसा के दूर छोड़ते हुए एक गरीब यहाँ पे प्रमुख बना हुआ है, और हम लोग बहुत धूमधाम से जो अपना काम पिछड़ा उछड़ा है उसको हम लोग करवाने का काम करेंगे। श्याम कुमार शाह यहाँ बने हुए। क्या आपको उम्मीद है ये बेहतर काम करेंगे? बहुत उम्मीद है, पहले से बहुत बेहतर होगा। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम गुड्डू यादव, कल्याणपुर बीडीसी भागे। गावती प्रखंड में पंचायत सावट के श्याम कुमार शाह चुनाव जीते हुए हैं, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि दुर्गावती में भ्रष्टाचार नहीं होगा, है ना? कितने मतों से जीते हैं चुनाव जो है? 7 लगभग, मान लीजिए कि 7 और 10 का आंकड़ा रहा जी। आने वाले भविष्य में ये कैसा प्रखंड चलाएंगे जी? हालांकि आप बीडीसी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनता के लिए क्या सबसे संदेश रहेगा दुर्गावती में? विकास होगा जनता के लिए, हर पंचायत में विकास होगा। क्या नाम होगा जी आपका? मैं खड़सना पंचायत प्रतिनिधि बीडीसी सुनील कुमार यादव। ब्लॉक प्रमुख बनने में और पंचायत समिति बनने में सबसे बड़ा सहयोग सावन पंचायत का है, इसलिए मुझे पंचायत समिति सदस्य बनाया, और उसके बाद लड़ाई संघर्ष मेरा जारी रहा, और हमारे पंचायत समिति सदस्य के तमाम लोगों ने मेरा सहयोग करके और मुझे इस लायक बनाया। कितना मत मिला है आपको इस पक्ष में? हमको मिला है 9 मत।